नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हुआ हूँ दैनिक पंचांग का कार्यक्रम लेकर के। दैनिक पंचांग 23 अगस्त सन 2022, आज के तिथि वार नक्षत्र योगकरण की संपूर्ण व विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आज का राहु काल का अशुभ समय क्या रहेगा, अभिजित मुहूर्त और गुलिक काल का शुभ समय क्या रहेगा, कौन से दिशा में आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद माह की 7 प्रविष्टियां हैं आज। शरद ऋतु, कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के साथ सूर्यदेव उदय होंगे। एकादशी तिथि 6:08 प्रातः काल तक रहेगी और उसके बाद द्वादशी तिथि होगी। आज का बार मंगलवार है। आज आर्द्रा नक्षत्र 10:44 मध्यरात्रि तक रहेगा और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र होगा। बात आज के योग की करें तो आज सिद्ध योग 12:37 मध्यरात्रि तक रहेगा और उसके बाद गतिपात योग होगा। बालक करण 6:08 प्रातः काल तक और उसके उपरांत कौलव करण होगा। राहु काल का अशुभ समय आज 3:39 दोपहर से लेकर के शाम को 5:16 तक रहेगा और अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:58 से लेकर के 12:51 मध्याह्न काल का रहे। गुलिक काल का समय 12:23 मध्याह्न काल से लेकर के दोपहर 2:02 तक का रहेगा। किसी भी नए व खास काम को राहु काल में कभी भी शुरू न करें। अभिजित मुहूर्त और गुलिक काल में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। अभिजित मुहूर्त में धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्यों को करना चाहिए। गुलिक काल में यात्रा व्यवसाय नौकरी से संबंधित दैनिक दिनचर्या के कार्यों को किया जाता है। आज का दिशा सूर्य उत्तर दिशा का है। आज उत्तर दिशा में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन उत्तर दिशा की यात्रा करते हैं, नौकरी व्यवसाय कामकाज को लेकर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, तो आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी खास काम से आवश्यक स्थिति में आज उत्तर दिशा की ओर यदि आपको जाना पड़े तो घर से गुड़ का सेवन करने के बाद ही उत्तर दिशा की ओर यात्रा करिएगा। निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है, आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करे, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन जरूर करिएगा। जन्मदिन पर किया गया पूजन वह क्रूर ग्रह का था 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।